हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल शेखर ट्रिकी म्यूजिक में। और दोस्तों आज का टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राग बिलावल के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं राग बिलावल के बारे में कम्प्लीट जानकारी। तो चलिए आपको ले चलता हूँ मैं अपने कीबोर्ड की ओर। और दोस्तों यदि आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं राग बिलावल के बारे में। और दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले पर लिख के आती रहेंगी, वो सारी चीज़ें आप पढ़ते रहें ऊपर, जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं राग बिलावल क्या है और ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों जो राग बिलावल है इसकी उत्पत्ति हुई है थाट बिलावल से। जो थाट होते हैं ये हमारे भारतीय संगीत में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 10 थाट बताए गए हैं। 10 थाटों में से ऐसे ही एक थाट है राग बिलावल। और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूँ, एक थाट में लगभग 484 राग बताए गए हैं। एक थाट में कम से कम 484 राग होते हैं। इस प्रकार से हमारा ये राग बिलावल है जो कि थाट बिलावल के अंतर्गत आता है। जो राग बिलावल है यानी कि जो हम संगीत सीखते हैं सबसे स्टार्टिंग पैटर्न जो सीखते हैं वो राग बिलावल ही सीखते हैं, क्योंकि हमें पता है सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ये जो हम सबसे पहले बजाना सीखते हैं ये हमारे राग बिलावल का ही पार्ट है, जो कि मोस्टली जो लोग सीखते हैं संगीत सभी को ये पता होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, और ये हमारे शुद्ध स्वर होते हैं। तो ये हमारे राग बिलावल का ही आरोह और अवरोह है। तो राग बिलावल का जो आरोह है वो इस प्रकार से होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, और इसका जो अवरोह होता है वो होता है सा नी धा पा मा गा रे सा। तो ये हो गया इसका अवरोह, यानी कि अभी हमने सीखा आरोह और अवरोह। अब इसका हम देखेंगे पकड़। पकड़ क्या होता है दोस्तों? पकड़ ऐसी चीज है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये इस राग का गाना है, यानी कि चलन। जो चलन होता है इस राग का वो चलन से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इस राग का गाना हो सकता है, यानी कि जो गाना बज रहा है या अगर ये पकड़ बजाएंगे तो पता चल जाता है कि इस राग से मिलता जुलता है या इस राग का गाना है। तो पकड़ बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे कि ये पता चलता है कि कौन से राग का गाना है। तो ये होता है हमारा पकड़, उसे हम चलन भी कहते हैं। तो इसका जो पकड़ है वो है एक बार फिर से देखते हैं इसकी पकड़ यह है इसका पकड़, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो हम सीख रहे हैं वो राग बिलावल ही है। और इससे क्लियर हो जाता है कि पकड़ से कि राग बिलावल का ही पार्ट है, या जो गाना बजाएंगे या जो सीखेंगे वो राग बिलावल सीख रहे हैं, जिससे हमें चलन से पता चल जाता है। अब इसमें देखते हैं वादी स्वर। दोस्तों वादी स्वर क्या होता है? वादी स्वर उसे बोलते हैं जो इस राग में सबसे ज़्यादा बजाया जाता है, जो इस राग में सबसे ज़्यादा नोट्स यूज होता है, सरगम होता है, उसे हम बोलते हैं वादी स्वर। वादी स्वर बोले तो इसमें हमारा वादी स्वर है धा, यह है हमारा धा, और यह हमारा यह हमारा वादी स्वर है। यानी कि जो इस राग में राग बिलावल में जो भी यूज किया जाता है सॉन्ग या जो भी गाना यूज होता है तो उसमें धा मतलब ये जो वादी स्वर है सबसे ज़्यादा धा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे बोलेंगे वादी स्वर। अब हम बोलेंगे समवादी। समवादी क्या होता है? जो वादी से थोड़ा कम होता है, यानी कि एक प्रिंसिपल होता है फिर एक वॉइस प्रिंसिपल होता है, तो जो वॉइस प्रिंसिपल है उसे हम बोलते हैं समवादी। बोले तो धा से थोड़ा कम यूज होने वाला स्वर जो है वो है हमारा गा। जो गा है ये हमारा समवादी स्वर है। राग बिलावल का वादी स्वर धा है और समवादी गा हो गया। अब हम देखते हैं इसकी जाति। जाति क्या होती है? जाति हमारा होता है कि इसमें दोस्तों देखिए राग में कई प्रकार की जातियां होती हैं। जाति से हमें पता चलता है कि ये कौन से
प्रकार का, किस प्रकार का स्वर है ये। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जाति क्या होती है। जैसे इसकी जाति वो संपूर्ण है। संपूर्ण कैसे है, क्योंकि इसमें सातों स्वर यूज हो रहे हैं। संपूर्ण संपूर्ण सारे गामा पा धा नी, यानी कि सात स्वर हैं। स नी धा पा मा गा रे, नी धा पा मा गा रे सा, नी धा पा मा गा रे सा, यानी कि इस राग में जो है उसको, इस राग में सात के सातों स्वर यूज हो रहे हैं, इसलिए ये संपूर्ण है। इसकी जो जाति है वो संपूर्ण संपूर्ण है, यानी कि आरोह में भी सात स्वर हैं और अवरोह में भी सात स्वर हैं, इसलिए इसकी जाति क्या हो गई, संपूर्ण। तो दोस्तों क्लियर हुआ संपूर्ण क्या है, संपूर्ण इसकी जाति है, और जाति में क्लियर होता है कि इसमें कितने स्वर लग रहे हैं, इस राग में कितने स्वर यूज किए जा रहे हैं अवरोह में और आरोह में। तो इससे क्लियर होता है का इसका जाति क्या है, उसमें कितने स्वर हमें यूज करने हैं आरोह में और कितने स्वर यूज करने हैं अवरोह में। इस प्रकार इसका हो गया ये जाति। अब देखते हैं दोस्तों इसका समय, इस राग को बजाने का जो समय निर्धारित किया गया है वो है दिन का प्रथम प्रहर, यानी कि 4 बजे के आसपास, 4 से जो 7 का बीच का टाइम होता है वो है हमारा इसका प्रथम प्रहर का टाइम, यानी कि जो समय निर्धारित किया गया है इसके बीच में अगर आप इस राग को गाते बजाते हैं तो आपको सुनने में और भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी समय इसको नहीं बजा सकते हैं, किसी अदर टाइम। इसका जो समय निर्धारित किया गया है वो है दिन का प्रथम प्रहर, यानी कि आप दिन के प्रथम प्रहर में 4 बजे से 7 बजे या 8 बजे के बीच में जब इसको बजाएंगे गाएंगे तो ये आपको सुनने में और भी अच्छा लगेगा, इसलिए इसका समय निर्धारित किया गया है दिन का प्रथम प्रहर। थाट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है ये किस थाट का राग है, तो इसकी जो, इसका जो थाट है वो है थाट बिलावल। इसकी जो उत्पत्ति है वो, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो थाट बिलावल से हुई है, और ये थाट बिलावल का ही एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं राग बिलावल। अब इसकी विशेषता क्या है, इस राग की विशेषता ये है कि इसमें 7 के 7 स्वर यूज होते हैं, वो भी एकदम शुद्ध स्वर। सारे गामा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसमें ना तो कोई तीव्र स्वर यूज होता है और ना ही कोई कोमल स्वर यूज किए जाते हैं, 7 के 7 स्वर शुद्ध यूज होते हैं, ये इस राग की विशेषता है। अब चलिए मैं आपको और भी अच्छी चीज़ बता देता हूँ, इसको और भी अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। इससे जो आधारित गाने हैं, जैसे राग बिलावल से आधारित जो गाने हैं, मैं उनके नाम बताऊँगा तो आपको आइडिया लगने लगेगा कि हाँ इस राग में ये गाना बजता है। अब जैसे कि आप ओम जय जगदीश हरे बजाते हैं तो ये भी राग बिलावल का ही गाना है, और आप बजाते हैं जनगण मन अधिनायक जय है, जो हमारा राष्ट्रगान है, भारतीय राष्ट्रगान है, वो भी राग बिलावल में ही बजाया जाता है। और इसके बाद है एक प्यार का नगमा है, ये सॉन्ग भी राग बिलावल का ही है, और एक और भी सॉन्ग है कौन कहता है भगवान आते नहीं, ये गाना भी राग बिलावल का ही है। और अगला गाना है लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, तो ये गाने जो हैं ये सारे राग बिलावल से आधारित गाने हैं। तो ये जो गाने के नाम बताए मैंने ये सारे गाने राग बिलावल के अंतर्गत आते हैं, ये राग बिलावल के ही गाने हैं जिसमें 7 के 7 स्वर शुद्ध यूज होते हैं। और आने वाली वीडियो में मैं आपको इन सभी गानों के नोट्स भी बताऊंगा और सिखाऊंगा कि इन गानों को हम कैसे बजाते हैं। और आगे आने वाली वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है राग बिलावल के सरगम गीत और बंदिश के बारे में। तो दोस्तों आप आने वाली वीडियो को ज़रूर देखें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहें, और मिलता हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।